हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं हूँ आपकी खुशबू खान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल। सो वेलकम और वेलकम बैक। सो आज के इस वीडियो में मैं आपके सामने लेके आई हूँ स्कूल गोइंग गर्ल्स के लिए दिस मेकअप ट्यूटोरियल। इसमें मैंने कोई फाउंडेशन यूज़ नहीं किया है, ना काजल, नथिंग, ना आई शेडो, ना हाईलाइटर, कुछ भी नहीं यूज़ किया है। इज़ एज सिंपल एज दैट। 4 या 5 प्रोडक्ट्स ही मैंने यूज़ किए जो कि आप इजीली बाय कर सकते हो, और मैंने ऑप्शंस भी दिए हैं। तो ये वीडियो आप पूरा देखिए अगर ये ट्यूटोरियल आपको देखना हो तो। सो गाइस, सबसे पहले हमको करना होता है कि रोज़ वाटर। सो रोज़ वाटर आई थिंक आप लोग ऑलरेडी यूज़ करते ही होंगे, कोई भी डाबर गुलाबर या समथिंग। मेरे पास अभी फ़िलहाल है द बॉडी शॉप का रोज़ वाटर जो कि ख़त्म होने को आया है, बट मैं स्टिल ये यूज़ करूँगी क्योंकि रोज़ वाटर हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आप मेकअप करने से पहले अगर आप ये यूज़ करते हो तो ये एज ए यू नो टोनर का भी काम करता है, तो पहले मैं ये यूज़ करती हूँ। बस सिर्फ 2 या 3 बार स्प्रे करना है एंड इसे आपको सेट होने के लिए रख देना है। एंड ओके, मिलते हैं फिर आपको 5 मिनट्स के बाद। अब तक ये अच्छे से सेट हो जाएगा। ये अच्छे से सेट हो चुका है तो अभी हम इसको मॉइस्चराइज करते हैं हमारे स्किन को, जो कि आप देख रहे हैं कि मेरे ऑलरेडी ब्रेकआउट्स हैं। तो मॉइस्चराइजर के लिए मैं बिल्कुल फैंसी सा कुछ यूज़ नहीं करूँगी। निविया सॉफ्ट ये मैं बहुत पहले से यूज़ करते आ रही हूँ, लाइक ऑफकोर्स सो मेनी ईयर्स, इट्स बीन सो मेनी ईयर्स आई एम वो यूजिंग दिस थिंग। हमें अच्छे से मॉइस्चराइज कर लेना है क्योंकि अभी विंटर्स आ रहे हैं, तो ऑफ कोर्स टोनिंग करके अगर आप मॉइस्चराइजर यूज़ करोगे तो आपको वो जो वाइट वाइट हो जाता है फेस पे वो बिल्कुल नहीं होगा। बिकॉज ये बिल्कुल स्कूल गोइंग गर्ल्स के लिए मेकअप है, तो यहाँ पे मैं फाउंडेशन और बीबी क्रीम बिल्कुल यूज़ नहीं करूँगी क्योंकि कुछ भी अगर आप यूज़ करते हो तो वो आपके फेस के ऊपर दिखता है। तो अभी मैं यूज़ करूँगी लैक्मी एब्सोल्यूट का ब्लर परफेक्ट प्राइमर। आप इसे स्किप भी कर सकते हो, आप एलोवेरा जेल भी यूज़ कर सकते हो। फिलहाल मेरे पास एलोवेरा जेल नहीं है तो मैं ब्लर परफेक्ट प्राइमर यूज़ करूँगी। ये आपके पोर्स को जो है इंस्टेंटली हाइड कर देता है। अगर आप टीनेजर हो और अगर आपके स्किन प्रॉब्लम्स है लाइक मी, तो यू कैन डेफिनेटली गो विद द प्राइमर फर्स्ट। ये बिल्कुल मिनी सा है और मैं इसकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। एक्चुअली आई यूज इट बिफोर ऑल्सो। सो जस्ट अ लिटिल बिट आपको लेना है, रब इट एंड जस्ट अप्लाई वेयर एवर यू हैव पोर्स। ये इंस्टेंटली जो आपके फेस को बहुत स्मूथ बना देता है और बिल्कुल अच्छा अच्छा लगता है। ऐसा नहीं लगता कि आपने कुछ लगाया है फेस के ऊपर, बिल्कुल ये सेट हो जाता है आपके फेस पर। तो आज मैंने कहा है कि आप स्कूल बिल्कुल मेकअप करके नहीं जा सकते हो, तो इसलिए मेरे पास एक ऑप्शन है आपके लिए। यह है लैक्मी एब्सोल्यूट का कॉम्बैक्ट, जो कि मेरा शेड है इवोरी फेयर 01। तो आप ये यूज़ कर सकते हो, कोई भी कॉम्पैक्ट हो चलेगा। आप ये यूज़ कर या आप ये यूज़ करके इजीली यू नो सेट योर फेस एंड यू कैन गो टू योर स्कूल एंड कॉलेज जहाँ पे मेकअप अलाउड नहीं होता है। तो आई एम जस्ट गोना डैब इट। तो जैसा कि आप देख सकते हो मेरा फेस बिल्कुल सेट हो चुका है। अब आप ये मेकअप देख सकते हो, बहुत ज़्यादा नेचुरल लग रहा है और कुछ ज़्यादा फैंसी नहीं लग रहा है। मैं यहाँ पे कुछ नहीं करूँगी क्योंकि आप ये बिल्कुल स्कूल गोइंग गर्ल्स के लिए मेकअप है, तो आप इतना तो कर ही सकते हो, है ना। क्योंकि मैं वीडियो बना रही हूँ, मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, इसलिए मैं हमेशा से मस्कारा यूज़ करती थी बिकॉज मस्कारा अवेक योर आईज। सो मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ मेबेलिन लैश सेंसेशनल मस्कारा जो है वाटर प्रूफ में। ये बहुत ही अच्छा है, ये आप स्टेप स्किप भी कर सकते हो, लेकिन अगर आप यूज़ करते हो तो ये बिल्कुल नेचुरल लगता है। ऐसा नहीं लगता है कि आपने बहुत कुछ लगाया, जस्ट नेचुरली डू दिस। इनफ। तो ये हल्का सा ना आपके आईज को जो है बिल्कुल ओपन अप कर देता है। तो दैट्स इट। अगर आपके पास लिप बाम है तो आप लिप बाम यूज़ कर सकते हो। मेरे पास फिलहाल लिप बाम नहीं है क्योंकि आई एम स्टेइंग आउटसाइड। सो ये है मिस क्लेयर का लिप क्रीम। सो मैं लिप क्रीम यूज़ करूँगी, आप लिप बाम यूज़ कर सकते हो अगर अलाउड है तो।
और वरना आप ये स्किप कर सकते हो कम्प्लीटली। तो ये लिप क्रीम है, तो क्रीम इज लाइक गुड। संजय गन अप्लाई लिटिल लिटिल। तो दैट्स इट, आप देख सकते हो बहुत नेचुरल मेकअप है, नथिंग मोर फैंसी अबाउट इट। आईब्रोज मैं फिल नहीं करूँगी क्योंकि जब आप आईब्रोज फिल करती हो तो वो ऑटोमेटिकली ज़्यादा लगता है मेकअप। ओके गाइस, तो ये था मेरा मेकअप स्कूल गोइंग गर्ल्स के लिए। बहुत ही सिंपल स्टेप है, आई थिंक 4 या 5 स्टेप्स है, दैट्स इट। आप इजिली फॉलो करके इजिली ये ट्यूटोरियल फॉलो कर सकते हो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें टू ऑल योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एज वेल। आई विल बी कमिंग बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो, देन प्लीज़ टेक केयर, बाय।